सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप्स कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे, साथ ही सेवा पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत स्वच्छता दूतों गौरव सम्मान कार्यक्रम और पीएस स्वनिधि लाभार्थियों के बच्चों का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, से सीएम धामी कैसे हैं जिसमें उनको शामिल होना है? चलती देखिए, अगर हम आज ऑफिशियल कार्यक्रम की बात करें तो बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं है, वो शासकीय काम ज्यादा निपटाएंगे। उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो अपने ही आवास पर, यानी कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसी के जो सभागार है उसमें वो शामिल होंगे। इसमें स्वच्छता गौरव सम्मान का ये पुरस्कार है, उसके अलावा निधि से लाभार्थी बच्चे हैं उनको ये पुरस्कार होगा। तो ये कार्यक्रम कैंप कार्यालय, उसके बाद कह सकते हैं कि वो दिन भर शासकीय काम निपटाएंगे और लगभग जो अभी तक के कार्यक्रम उनके हमारे पास आए वो कैंप कार्यालय के ही हैं, यानी कि कहीं और का या बाहर का या सचिवालय का कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि पहले ये जानकारी आ रही थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री धामी पीड़िता जो अंकिता है उसके गांव जा सकते हैं, क्योंकि कल देर शाम कैबिनेट मिनिस्टर जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास है रेखा आर्य वो वहां पर पहुंची थी। तो इस तरीके की ये कयासबाजी जरूर थी, लेकिन फिलहाल जो उनके ऑफिशियल कार्यक्रम आए उसमें ये चीजें मेंशन नहीं है। ठीक है ज्योत्सना, अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहिएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कर रही है। फिर से आपको, उत्तराखंड के सरकार विधानसभा भर्ती घोटाले को जांच एक्सपर्ट कमेटी से कर रही है। वहीं एक्सपर्ट कमेटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद 240 कर्मियों की सेवा समाप्त करने का फैसला ले लिया है। साथ ही विधानसभा से कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को 40 कर्मियों को हटा दिया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? चलती देखिए, जांच चल नहीं रही है बल्कि जांच कंप्लीट हो गई है। अब पिछले कह सकते हैं कि अगस्त लास्ट में ये जांच एक्सपर्ट कमेटी को दी थी, उसके बाद ये बहुत था जो भर्तियों का मामला था उसे लेकर के कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश बाल कटा था कि जो तत्कालीन स्पीकर रहे हैं, चाहे 2016 की बात करें, 2017-18 की बात करें, यानी कि 2016 से 22 के बीच की बात करें, स्पीकर जो भी रहे उन्होंने बैकडोर से अपने कई वरिष्ठ नेताओं के नजदीकी लोग थे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक्सपर्ट कमेटी को जांच सौंपी थी, 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उसे जांच सौंपी गई थी कि वो पूरा डिटेल विस्तृत जांच करे कि ये भर्तियां नियम सम्मत हैं या नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी और आया गया कि ये भर्तियां नियम नहीं हुई हैं बल्कि नियमों का उल्लंघन करके हुई हैं, जिसके चलते स्पीकर ने 12 के बाद यानी 16 में 20 में और 21 में जो 240 भर्तियां हुई थी उनको तत्काल निरस्त और इसका अनुमोदन सरकार को कर दिया। सरकार की तरफ से यानी सोमवार कल से ये आदेश मिलने शुरू हो गए हैं। कल पहले चरण में 40 कर्मचारियों के सेवा समाप्ति का आदेश आया है। तो हो सकता है कि आज भी कुछ और लोगों का सेवा समाप्ति का आदेश आए, क्योंकि वन बाई वन वहां पर जितने भी आदेश बन रहे होंगे वो विधानसभा सचिवालय को भेजे जा रहे होंगे और विधानसभा सचिवालय के माध्यम से उन लोगों की सेवा समाप्ति हो रही होगी। ये बहुत बड़ा प्रकरण था चलती उत्तराखंड में, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकरण में न कांग्रेस का दामन साफ था न बीजेपी का दामन साफ था, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में भी 150 भर्तियां हुई थी
तो बीजेपी के शासनकाल में भी चुनाव आते आते 72 भर्तियां बैकडोर से कर दी गई थी और कर बवाल था। फिलहाल इन सब की सेवा समाप्त हो चुकी है, कर्मचारी थे। ठीक है ज्योत्सना, आगे भी आप हमारे साथ बनी रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रेषित समूह गा की 23 परीक्षाएं के लिए अतिरिक्त परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कार्यालय में बैठक की। आयोग ने बताया कि समस्त परीक्षाएं संयुद्ध से वर्ष 2022 एवं 23 के दौरान आयोजित की जाएगी। वार्षिक कैलेंडर के बारे में जानकारी दी, कहा कि परीक्षा कैलेंडर 23 परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से अब तक 18 सफलता हो गई। परीक्षाओं का आयोजन के अंत तक पूरा करा लिया जाएगा। जानकारी के लिए ऐसा जुड़ गई हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना, यूके ट्रिपल एससी में इसमें क्या कुछ अधिक जानकारी है? चल से देखिए, यूके ट्रिपल एससी से जो परीक्षाएं होनी थी वो सब सरकार ने स्थगित कर दी थी, क्योंकि आप जानती हैं कि ट्रिपल एससी मामले में इस समय जांच चल रही है, विजिलेंस जांच अलग चल रही है, एसआईटी एसटीएफ अलग जांच कर रही है, क्योंकि 5 से ज्यादा भर्ती इस तरीके की आई है कि जिनमें नकल हुई है, पेपर लीक हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि 40 से ज्यादा अभियुक्त पकड़े गए हैं। 18 से ज्यादा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसमें एक मुख्य अभियुक्तों में से एक हाकम सिंह की प्रॉपर्टी के ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाना चाहती थी, क्योंकि लगभग 7,000 के लिए यूके ट्रिपल एससी ने परीक्षा आयोजित करनी थी। तरीके से परीक्षा सारी अनियमितता पाई गई, जांच इस समय बैठी हुई है। तो ट्रिपल एससी के बजाय राज्य लोक सेवा आयोग से ये परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये परीक्षाएं अब आयोजित करवाई जा रही हैं। 5 परीक्षाओं का कल लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया था, और अब सभी 23 परीक्षाओं का, यानी जो टोटल 23 परीक्षाएं होनी है लगभग 7,000 पदों के लिए, उनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से लोक सेवा आयोग ने ये पूरा शेड्यूल बनाया है, और जो अभ्यर्थी, जो युवा इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे थे या कर रहे, उनको एक टाइम टेबल मिल गया है कि जिस परीक्षा की वो तैयारी है वो परीक्षा कब होगी, कब भरे जाएंगे, उसकी लिखित परीक्षा कब होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बड़ी बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने बहुत कम समय में ये कैलेंडर जारी भी कर दिया है। ठीक है ज्योत्सना, ये तमाम सारे अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। करीब 88% वोटिंग हुई और 28 सितंबर को मतगणना होगी। आपको बताते चले कि चुनाव में 4,305 पदों के लिए 8,751 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल वोटों की गिनती हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता स्वरूप पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वरूप पुरी, क्या कुछ इसमें अधिक जानकारी है? देखिए बिल्कुल, कल का दिन जो है बहुत ही अहम था, और अपने दर्शकों को बताया कि पंचायत चुनाव का जो है पिछले 1.5 वर्ष से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार कल का है वो दिन था जब जो लोगों ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों का चुनाव किया। सबसे बड़ी बात है कि बहुत अहम चुनाव थे और 1.5 वर्ष बाद हो रहे थे, तो ऐसे में जो है इन चुनावों को कराना जिला प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी एक चुनौती था। और सबसे बड़ी बात, सुबह से लेकर स्वयं जो है अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, चाहे वो हम गंगा के इस पार लालढांग क्षेत्र की बात करें या उसके पूर्व क्षेत्र की बात करें या रुड़की या भादराबाद की बात करें, तो हर जगह जो है सुरक्षा जो व्यवस्था थी वो बेहद ही पुख्ता की गई थी। और सबसे बड़ी बात, जो मतदाताओं में उत्साह था, आखिरकार एक लंबे समय के बाद जो है मतदाताओं को अपने प्रत्याशी चुनने का मौका मिला था, तो इसके लेकर जो है बुजुर्ग मतदाताओं के साथ साथ युवा मतदाताओं में भी एक बड़ा जोश नजर आया है। क्योंकि पंचायतों की अगर हम बात करें तो पंचायत जो है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की एक सबसे छोटी कड़ी होता है, पंचायतों से ही जो है विकास कार्य जो है धरातल पर उतरते हैं।
तो ऐसे में एक लंबा वक्त था, 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हरिद्वार की हम बात करें तो प्रशासकों ने जो है यहाँ की व्यवस्था संभाल रखी थी। अब जो है वो अहम दिन आ गया है, मतदान हो चुका है और कल जो है मतगणना होनी है। तो मतगणना के बाद जो है चुनाव जीते हुए प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्रों में विकास की अहम भूमिका निभाएंगे। वही चेल्सी अपने दर्शकों को बताएं कि जो कल का दिन है वो बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि कल मतगणना होनी है। तो मतगणना के लिए जो है शासन प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, सारी व्यवस्थाओं को पहले से ही दुरुस्त कर लिया गया। इसके साथ ही जो रिहर्सल्स होती हैं, किस तरह कार्य होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगा, वो सब जो है पहले से ही एक प्लान तैयार कर लिया गया। उसके तहत अधिकारी और कर्मचारियों को भी जो है ट्रेनिंग दे दी गई है। अब देखना है कल किस तरह जो है मतगणना का कार्य किस तरह जो है कर्मचारी इसको करते हैं और कब तक ये पूरा होता है। जी ठीक है, तमाम सारे अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है स्वस्थ परिवार से, और परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है माताओं की। इसके लिए माताओं का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल का बीड़ा उठाया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में महिलाओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद उनके और नवजात शिशु के लिए 2 महालक्ष्मी किट वितरित किए जाते हैं। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को पोषण युक्त आहार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना चलाई जा रही है, ताकि माताओं की सेहत रहे तंदुरुस्त। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए सीधे उनके खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, फल और अंडे का आहार देकर माताओं के साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जा रही है। माताओं की अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार, मातृशक्ति का मान बढ़ा रही उत्तराखंड सरकार। तो ब्रेक के बाद आपको बता दें कि खबर ऋषिकेश से है, जहां अंकिता हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स ने SIT को सौंप दी है। वहीं SIT ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया, जिसमें कई अहम सुराग हाथ में लगे। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही SIT को एम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि उसके शरीर पर 4 से 5 जगह चोट के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि SIT ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंकिता के परिजनों को सौंप दी है। वहीं SIT प्रमुख P रेणुका देवी ने सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर भौतिक साक्ष्यों के साथ साथ CCTV फुटेज, मोबाइल और रिजॉर्ट में रुके गेस्टों की लिस्ट भी मांगी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र चमोली। जितेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ उसमें खुलासा आगे हुआ है अंकिता हत्याकांड को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, कल एम्स प्रशासन ने SIT को अंकिता के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आई है कि अंकिता की जो मौत हुई है वो पानी से डूबने किससे हुई है, उसके बाद जो शरीर के पर 4-5 चोट के निशान भी पाए गए हैं, और रिपोर्ट SIT ने अंकिता के परिजनों को सौंप दी है। दूसरी तरफ SIT अब बारीकी से जांच कर रही है। SIT घटनास्थल जहां धक्का गया था घटनास्थल पर पहुंची, उसके अलावा रिजोर्ट में पहुंची, रिजोर्ट में जितने भी गेस्टों के रजिस्टर थे उनको अपने कब्जे में लिया, और जो वहां कंप्यूटर रखे हुए थे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने वहां पर थे वो अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लगातार जो SIT की जो निदेशक जो प्रभारी बनाया गया है P रेणुका को, वो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला में डेरा डाली हुई है। जितेंद्र, क्या इसमें SIT को जांच के दौरान कोई आगे सबूत में ऐसे मिले हैं?
जी एसआईटी को जो सबूत मिले हैं और वहाँ जो गेस्ट जो आते थे जिसमें लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ वीआईपी गेस्ट जो आते थे वो एक लिस्ट एसआईटी के हाथ में लगी है। ठीक है जितेंद्र, अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट की छत से एक पिंजरा मिला है जिसको लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये पिंजरा किस लिए रखा गया या इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इसकी पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जल्द सजा दिलाने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी जल्द ही अंकिता भंडारी के घर जाकर उनके परिजनों से मिलेंगे, उसके साथ ही महिला सशक्त मंत्री रेखा आर्य भी होंगी। दोनों नेता अंकिता के परिजनों को सांत्वना देंगे और उन्हें हर संभव मदद का भी आश्वासन देंगे। और हम लोग हर प्रकार से, हमने पहले ही कहा है, परिवार के साथ हैं और पिताजी से अंकिता के मेरी लगातार बात होती रही है। हमने हर संभव कहा है कि हर संभव हम जो भी मदद, प्रदेश सरकार इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उन्होंने भी कल भी, मैं उनका उनके जज्बे को भी मैं नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे कठिन दुख के समय में भी सभी लोगों से उन्होंने अपील की थी कि सब लोगों ने साथ दिया है, सब लोगों ने हुए हैं। हम बेटी का संस्कार करना चाहते हैं, जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनसे भी उन्होंने रोड खोलने का भी जो अनुरोध किया वो उनके उन्होंने उनको जहां बेटी के गम था, ऐसे गम के समय में इतना दिखाकर इतनी बड़ी कर जहाँ पूरे उत्तराखंड का और देश का भी दिल जीतने का काम किया है। अंकिता की बेटी है, उसके साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, जो घोर अन्याय, मैं कहूं कि बहुत जिसकी निंदा की जाए, जितना भी खराब कहा जाए, उससे कुछ नहीं हो सकता है। हमने ये तय किया है कि के बाद उत्तराखंड के अंदर एक नजीर बननी चाहिए, एक भविष्य के लिए एक खाका बनना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना के बारे में कभी जब जब भी वो इस प्रकार के विचार किसी के मन में आए तो उसको वो घटना याद आए कि अंकिता हत्याकांड के बाद किस प्रकार से सजा मिली थी, किस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसकी सुनवाई है अदालत में वो फास्ट ट्रैक पर हो, इस पर सभी पहलू आ जाएं। और एसआईटी का गठन इसीलिए किया है कि एसआईटी इसमें जुड़े, इसमें जो भी साक्ष्य हैं या जो अपराधी हैं सभी को इसमें ढूंढा जाए, कोई भी कोना खाली न रहे। अंकिता भंडारी हत्या मामले में सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। दरअसल हरीश रावत अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार के बाद उसके गांव डोब श्रीकोट पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी, साथ ही सरकार से दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की भी मांग की। ये रसूखदार व्यक्ति का विहिता जो है, जिसने हमारी संस्कृति को, हमारी इस देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया, एक बहादुर बेटी जिसने उसकी हवस का और उसके वीआईपी जिस गेस्टों का उसको एस्कॉर्ट करने के लिए
अंकिता से कह रहा था, उनकी हवस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई, तो उनको दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट को देंगे और एविडेंसेस सारी जुटाई जानी चाहिए। उनको बड़ा इस बात की नाराजगी है कि चार दिन सोशल मीडिया में सब, लेकिन चार दिन अपराधी को गिरफ्तार करने में लग गए, छह सात दिन बॉडी सबको मालूम था कि किस नहर में है, वहां से बाहर निकालने में लग गए और अभी भी पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है। पोस्टमार्टम में लेडी डॉक्टर खड़ी नहीं की गई, जो लापरवाही बूझ करके साक्ष्यों को मिटाने के लिए जिस प्रकार से बुलडोजर फेरने में जल्दीबाजी की गई है, तो ये सब चीजें चीख चीख करके कह रही है कि इस पर सबको सचेत रह करके रहने की जरूरत है और सारा उत्तराखंड सचेत है। जब तक अंकिता के हत्यारों को न्याय जो है कठोरतम सजा जो है, जो सजा इस ऐसे अपराध की होनी चाहिए वो सजा नहीं मिल जाती, तब तक कोई चुप बैठने वाला नहीं। तो हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली स्मृति ईरानी आज कहाँ हैं? उन्होंने अंकिता की मां को मृतक अंकिता के अंतिम दर्शन नहीं करवाने पर कहा कि उत्तराखंड सरकार सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगी है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं, जबकि सरकार को चाहिए कि इस मामले के दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। देहरादून पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब रायपुर थाना अंतर्गत तीन वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनकी निशानदेही पर चोरी के आठ वाहन भी बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्हें नई बाइक चलाने का शौक था, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगहों से गाड़ियां चोरी कर लेते थे। कि चोरिया करते थे, सबसे पहले उन्होंने एक अपाचे मोटरसाइकिल जो है उत्तरकाशी से चोरी करी थी, उसके बाद फिर जो है रॉयल इन्फेंट उन्होंने यहाँ रायपुर से किया, फिर ऐसे करके उन्होंने पांच मोटरसाइकिल तीनों हमें। तो बात करते हैं छात्रों की, में आज से शिवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज उसका दूसरा दिन है। माँ के मंदिर का तांता लगा हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर में सुबह से दर्शन करने के लिए लोगों की कतारें लगी हैं। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों में खासा उत्साह नजर आया, हर कोई देवी की उपासना में जुटा है और आज भी देखने को फिलहाल बुलेटिन में अभी, लेकिन आप बने रहिए सहारा समय के सहार प्रणाम। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य में दूर दराज इलाकों के छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुँच बढ़ाने हेतु 60 फार्म मशीनरी बैंक और 20 कस्टम हायरिंग